वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू छोटो को, ढेर सारा प्यार बड़ों को, पैरी पौना जी। गुड मॉर्निंग इसलिए कि मैं आपसे मिल रही हूँ पूरे 11 बजे। आज मैं लेट नहीं हुई, एक्चुअली हस्बैंड और बेटी जल्दी निकल गए, तो इसलिए फटाफट सारा काम। और कमाल की बात पता है क्या हुआ, सुबह सुबह मटर पनीर की बहुत डिमांड थी, क्योंकि कल एक्चुअल में गलती से बहुत टेस्टी बन गए। अब मटर पनीर बने बचे थे सिर्फ इतने से, जबकि मैंने आधा किलो पनीर का मटर पनीर बनाया था, बट वो आधी कटोरी बची। अब मैं आधी कटोरी मटर पनीर ना तो मैं बेटी को लंच में डाल के दे सकती हूँ, क्योंकि बच्चे के साथ कोई और भी खाना खाए या सब्जी रोटी तो वो कम पड़ जाता, और हस्बैंड को डाल के दे नहीं सकती। तो अब सुबह मुझे अंडे बनाने पड़े, चावल रात को बनाए थे जो सारे, वो भी सब लग गए मटर पनीर के साथ, चावल भी खत्म, तो इनको चावल चाहिए होते हैं, तो मैंने फटाफट इतना मटर पुलाव और वेजिटेबल्स पुलाव जो मैं बनाती हूँ मैंने वो रखा। तो मतलब इतना हापड़ तपड़ हो गया कि करते 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 ये टाइम आ गया। वेट, तो गाइज इसीलिए अभी सब गए हैं, अभी आरव उठा है और आरव अभी रुक के नाश्ता करेगा। ब्रूनो को नाश्ता मैं अपने साथ खाने की बात कराऊंगी, क्योंकि उसके पीछे पीछे मुझे भागना पड़ेगा। तो ये देखिए जो मैंने बनाए थे मटर पुलाव, मतलब वेजिटेबल पुलाव, और रसोई में बहुत मैस है अभी। एज यूजुअल ऑब्वियसली मॉर्निंग का टाइम है तो ऐसे ही रहेगा, अब सुबह सुबह तो काम करते समय इतनी हापड़ तपड़ मचती है। और हमने कल अपना एक कोशिश किया कैनवा ऐप से क्या बनाने का, थंबनेल, नाम भूल जाती हूँ मैं, थंबनेल बनाने की कोशिश की है, लेकिन वीडियो अपलोड होने के 2-3 घंटे बाद कहते हैं कि थंबनेल डालना चाहिए, आई डोंट नो ऐसा क्यों। तो चलिए थंबनेल बनाया है, कोशिश की है छोटी सी, क्योंकि आप लोगों ने सर मुझे ऐप बताई है, आगे क्या करना है कैसे करना है कुछ नहीं बताया, तो जितना मेरा दिमाग लगा, जितना आरव की हेल्प हुई, जितना हमसे बन पड़ा, हमने कोशिश की है। तो वेरी फर्स्ट स्टेप, गलती भी होगी तो कोई बात नहीं यार, हमने कौन सा वो मेडल जीत लेने हैं या कौन सा हमें प्राइज मिल जाना है, अभी कोई बात नहीं, धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ती है, तो नो प्रॉब्लम एट ऑल। लेकिन एक बार अगर शुरुआत हो जाएगी थंबनेल बनाने की, तो आड़े टेढ़े ऊपर नीचे आगे पीछे करके तो मैं थोड़े बहुत बना ही लूंगी पक्का, क्योंकि क्रिएटिविटी तो थोड़ी बहुत है, आई नो। ठीक है, तो अभी मैं नाश्ता बनाती हूँ, फिर मैं थंबनेल अपलोड जरूर करूंगी, क्योंकि बनाया है इतनी मेहनत से, और देखिएगा जरूर आप बड़ा हंसेंगे, बड़ा फनी सा बना होगा कुछ। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ पहले जो सुबह चावल बनाए, और फिर मैं बनाती हूँ नाश्ता। गाइज ये देखिए, ये जल्दबाजी में बनाए थे मैंने वेजिटेबल पुलाव, और यहाँ पर इस कढ़ाई, जो कढ़ाई आपको खाली दिख रही है, इसमें बनाए थे अंडे। और अब वेट हो रहा नाश्ते का, क्योंकि भूख बहुत जोर की लगी होती है, आँख खुलते ही बस सबसे पहले रसोई में भागो। और ब्रूनो देखिए बाहर क्या कर रहा है, ब्रूनो ये क्या हो रहा है, क्यों लड़ रहे हो, बुबू लड़ क्यों रहा है, आवाजें कहाँ से निकाल रहा है। अरब गुड मॉर्निंग, बाहर की लाइट आ रही है, बड़ा ब्लर आ रहा है। तू ब्लर नहीं हो रहा, पीछे से वो लाइट आ रही है ना, सनलाइट आ रही है, उसकी वजह से ब्लर हो रहा है। वेट, तेरी फुटबॉल प्रैक्टिस शुरू हो गई उठते ही, थोड़ी थोड़ी। अच्छा चल मैं बनाऊँ नाश्ता शुरू करूँ, हाँ तू भी खा लेगा ना, ठीक है। ब्रूनी तू खाएगा ये पता क्या खाएगा, ये लपड़ खाएगा पीछे से, ये लपड़ खाएगा पीछे से। बुनी देख देख इसको भी खिला रहा साथ में, बुनू खेलो जाओ। ओ फाइनली गाइज घर का सारा काम खत्म, और अभी टाइम हो रहा है 2 बजे आज सारा काम खत्म हुआ, क्योंकि कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाते हैं थर्सडे को ना धोना तो कपड़ों की लाइन लग जाती है। नाश्ता पाश्ता हम निपटा चुके हैं, और बस अभी मैं आरव का ओरल टेस्ट स्टार्ट करने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले मैंने अभी बेड खोला है, क्योंकि अभी ना वो हाई नेक्स और स्वेटर्स मुझसे नहीं पहने जा रहे बिल्कुल भी, इवन मेरी बैक में इतना पेन है, अभी भी मैंने बेल्ट लगा रखी है, ये देखिए बेल्ट के बिना तो मतलब मुझसे उठा ही नहीं जा रहा, तो ये तो चलता ही रहेगा मेरे साथ। और पंजीरी मंजीरी ख़त्म हो गई, मैं खा ही नहीं रही, तो हो सकता है उसकी वजह से भी हो रहा हो। अभी मैंने बेड में से कुछ, आरव भी कह रहा है कि मुझे गर्मी के टी शर्ट्स निकाल के, तो मुझसे नहीं पहने जा रहे हैं मोटे कपड़े, तो अभी मैंने खोला। और मैं आपको बताऊं कुछ ही दिन रह गए हमें फंक्शन में जाने के लिए, और अभी तक हमारे कपड़े ही नहीं पता कि हमें है कहाँ, बेड में है या सूटकेस में रखे हैं, कहाँ रखे हैं कुछ नहीं पता। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तूने मतलब ऐसे घर के पजामा टी शर्ट में या ट्राउज़र और जो नॉर्मल पैंट शर्ट पहनती वही पहन के चले जाना है, तूने अपने कपड़े नहीं निकालने। तो मैंने कहा देखती हूँ, हाँ टाइम मिलता है तो निकालती हूँ, मतलब टाइम है ही नहीं एक्चुअली, करूँ क्या मैं, अब एक अकेला बंदा क्या क्या काम कर लेगा। तो और बच्चों की कॉपियाँ भी ऐसे ही पड़ी हैं, ब्रूनो का खाना मैंने बनाना है दोपहर के लिए, कुछ ना कुछ बनाऊँगी। तो ये देखिए अभी बेड खोला है, और गर्मी के कपड़े देखती हूँ दो चार निकाल सकती हूँ, निकालती हूँ। ये देखिए गाइस यहाँ पर तो खैर सारे विंटर्स के ही दिख रहे हैं मुझे कपड़े वगैरह, तो इधर देखती हूँ ये जो चादर में लिपटे पड़े हैं सारे कपड़े, आई थिंक इसमें हमारे गर्मी के कपड़े होंगे। ये देखो मैंने बेड खोला नहीं कि ये शैतान आ गया, देखिए जरा आप आ गए कुट कुट करते हुए, भाई साहब आप तो सोए हुए थे। बुनी बुनो बाबू तू तो नींद नहीं कर रहा था, ओए क्या हुआ आ गया इधर। चलिए गाइस मैं अपना देखती हूँ पहले जरा क्या करना है।
गाइज ये देखिए, ये मैंने गर्मी की अभी आधी आधी बाजरू की जो टीशर्टें होती हैं वो निकाली हैं, आरफ की भी अपनी भी। ये बैग में से भी दो चार कपड़े निकाले हैं, ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो बाहर पड़े हैं वो भी अंदर रखने पड़ेंगे। तो अभी टेम्प्रेरी कुछ दिन तक तो ये चलेगा, फिर जब छुट्टी होगी मंडे या टाइम लगेगा तो फिर मैं ये कपड़े गर्म वापस अंदर और गर्मी के वापस बाहर निकालूंगी। मेरा पॉम पॉम कैसे हिलता है ना। तो चलिए अभी मैं आपको दिखाती हूँ मैंने बाथरूम में क्या करामाती की है। गाइस यहाँ बाथरूम के फ्लोर पर मैंने पूरा एसिड डाला था, क्योंकि इसका फ्लोर बहुत गंदा हो जाता है, और एसिड डाल के पूरा ब्रश मारा था, जिसकी वजह से अब मैं इसमें पानी डालूंगी तो जितना भी ये कीचड़ आपको नजर आ रहा है सब साफ हो जाएगा। मैं अभी पानी डाल के इसको धोती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। गाइस ये देखिए, थोड़ा बहुत ही सही बट एटलीस्ट फ्लोर थोड़ा साफ हो गया, क्योंकि ये बहुत पुराना बना हुआ ना तो उस पर दाग बहुत जल्दी पड़ जाते हैं और मैला मैला लगता है। अब मुझे जब टाइम लगेगा तो मैं बाथरूम की थोड़ी टाइल्स वगैरह जो हैं एक दो दिन के अंदर वो सब साफ करने का टाइम निकालूंगी। और सही बताऊँ टाइम निकालने से ही निकाला जाता है, क्योंकि अगर हम अब अपने घर की साफ सफाई का ध्यान नहीं देंगे तो पड़ोसी तो आएंगे नहीं साफ करने, ऑब्वियसली हम वही कर रही हैं। तो आज इसका बाथरूम का फ्लोर हो गया, अब आज या कल मैं देखूंगी, मैं टाइलें पकड़ पकड़ के सारी रगड़ूंगी टाइम मिला तो। सबसे पहले तो कपड़ों का देखूंगी, कपड़े कितने पाए थे पता ही नहीं, साड़ियाँ नहीं मिल रही, लहंगे नहीं मिल रहे, कहाँ शादी में क्या पहन के जाएंगे। चलिए आज मेरे हस्बैंड आते हैं तो आज रात को या कल सुबह उनको बोलूंगी निकाल के दो अटैची ऊपर से। गाइज हम हो गए हैं नहा धो के बिल्कुल रेडी, और अब बच्चे आना शुरू हो गए हैं, 4:30 बज गए हैं, हम जा रहे हैं पढ़ाने। खाना वाना हो गया, सब कुछ काम निपट गया, तो अब मैं आपसे मिलूंगी शाम को। और आज शाम को एक और सरप्राइज है, मुझे अपनी बेटी के लिए कुछ लाना है उसके मतलब का, तो एंड तक व्लॉग को देखिएगा कि हम क्या लेकर आते हैं। तो चलिए मैं आपसे मिलती हूँ शाम को। A few moments later. गाइज मैं आपको मिली थी दोपहर को 4:30 बजे, और अभी टाइम हो रहा है 8:30। आज ट्यूशन हमारी 8:15 बजे तक चली है, और उसके बाद मैंने फटाफट पहले ब्रूनो को खाना दिया, क्योंकि उसको बहुत भूख लगी थी, और बेचारा बोल तो सकता नहीं है, तो अब वो तो हमें देखना पड़ेगा कि कब उसको टाइम पे खाना देना है और कब नहीं। तो अभी महाशय जी बिजी हैं अपना खाना खाने में, और मैंने आरफ को भेजकर मंगवाए हैं बर्गर्स, क्योंकि कुछ बना नहीं था तो बर्गर तो चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ तो चाहिए खाने के लिए। तो अभी मैं और आरफ बर्गर खाने लगे हैं, फिर मेरी बेटी का कॉल आएगा तो हम कुछ जाएंगे बाजार लेने के लिए। तो चलिए आइए खाइए हमारे साथ पहले बर्गर, फिर चलते हैं घूमने। गाइज ये है मेरा टेस्टी यम्मी बर्गर, और ये 2 पैकेट दिया जिसने सॉस के, तो मजे ही आ गए। अभी मैं फटाफट बर्गर खा लूँ फिर मैं आपसे मिलती हूँ। गाइज फाइनली जिस गिफ्ट की या जिस चीज़ की बात मैं आपको कर रही थी वो घर पे आ चुकी है, और ये मेरी बेटी ने खुद लिया है। देखो पीछे से ऐसे हो रहा है, एक बार और ईशो, एक बार और, ये मैंने नहीं लिया, ना मैंने लेके दिया, ना इसके पापा ने लेकर दिया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि ये लड़की खुद जाकर अपनी पसंद से अपने लिए कुछ लाइए। आप बिलीव नहीं करेंगे, कपड़े, पार्टी वेयर, कुछ कुछ भी हो, इयर रिंग्स, हेयर बैंड, मतलब कुछ भी हो ना, कुछ भी, मम्मी आप जाओ लेकर आओ। तो मुझे कई बार बड़ी इरिटेशन होती थी, यार लड़की कब बड़ी होगी, फाइनली ही समझ आई और अपने लिए कुछ लेकर आई। मैं आपको दिखाती हूँ, आई एम वेरी हैप्पी। ये देखिए गाइस, ये है फायर बोल्ट की कौन सी वॉच है, स्मार्ट वॉच टेंटेंट, जिसमें बनी है कियारा आडवाणी, बहुत ब्यूटीफुल, जिसने स्मार्ट वॉच पहनी हुई है, ब्लूटूथ कॉलिंग, फुल टच डिस्प्ले, क्या बात है, इनबिल्ट माइक एंड स्पीकर, पूरा दिखा दो, आप खुद पढ़ रही हो। अरे खोलना इसको, ओपन इट, अनबॉक्सिंग करो। मैडम लॉटरी लग गई, घुमा मत देना बस आप, अरे जल्दी खोल, मेरे से वेट नहीं हो रहा। घुमा मत देना, मैं कौन सी चीजें घुमाता हूँ, मतलब रख के इधर उधर कहीं, आप संभालती है जो चीजें कभी मिलती नहीं है। हाँ बेइज्जती मार रही है। ब्रोन खोलिए, पता नहीं है, नहीं मुझे पता, नहीं निकल रही। गाइस ये देखिए कहाँ है चार्जर इसका, ब्लैक ब्लैक ही होता है वैसे। चार्जर कहाँ है, ये चार्जर है, मैं चार्जिंग पॉइंट ज़ूम करके देखती हूँ, इसको ब्लैक ब्लैक ही होता है, इसको चार्ज भी करना पड़ता है, और नहीं तो क्या, बिना चार्ज के चलेगी। अच्छा जैसे फोन का होता है, और नहीं तो क्या। ओहो, और ये पन्नी उतारो, 1 2 ये पन्नी उतर गई। यार ये कैसे, अच्छा ये तो टच स्क्रीन है, मेरे को ब्लैंक क्यों है, फोन बंद होता तो चालू होता। बेस्ती स्टार्ट करो, मेरे को आती थोड़ी ना, अभी देखनी पड़ेगी। चलो देखना पड़ेगा, अरे मोहरत निकाल भाई जल्दी से, शौक में लिए चलानी थोड़ी ना आती है। तो सारे इंस्ट्रक्शन तो लिखे होंगे ना इस पे। हाँ यार ये नोट पैड निकला ना इसमें से, खुल गई, खुल गई, उसने खोल दी, आरवी ने खोल दी, मास्टर माइंड ये, इसको बोल, इसको बोल पहले ये खोलेगा, इसको दे दो सब कुछ पहले। क्या बात, अरे मेरे को भी तो दिखाओ, मुझे तो कुछ पता ही नहीं चलता भाई, से सब पता है, चलाता है भैया जी है। आपको सब पता है, वॉच इज नॉट पेयर, अभी फोन से पेयर करनी पड़ेगी इसको। चलो यार ये तो मुझे रात को अनपेयर करके सोनी पड़ेगी, पर चले मेरे सारे व्हाट्सएप के नोटिफिकेशन पड़ रहे हैं। दिखा दिखा दिखा, इशू यहां से ऐसे भी खुलता है। हां
भाई साहब अब तो हम बड़े मॉडर्न हो गए। ऑर्डर लग गई, रेड स्ट्रैप भी, ब्लू स्ट्रैप, रेड भी मिल गया है। वेरी गुड। बट ये ऐसी डेलिकेट चीज है ना, मुझ जैसी रफ टफ लेडी तो बिल्कुल नहीं यूज कर सकती। तो ये भी चेंज कर सकती है, पता है मुझे। चलो मैं खाना बना लूं। मैं लगाऊंगी डेमिन सेल्वेटोर, मेरा फेवरेट। गाइस आई एम वेरी हैप्पी कि इसने अपने लिए कुछ लिया, और कितनी सुंदर स्मार्ट वॉच। हाँ, और मेरे पास जो वॉच पड़ी है ना, मुझे भी एक्चुअली किसी ने गिफ्ट की थी, बड़े ही प्यार से, बहुत ही डियर वन है मेरी, और इतनी अच्छी वॉच उन्होंने दी थी, पर मैं पहनती नहीं, मैं वॉचेस ही नहीं पहनती। मतलब मुझे दो तीन बार वॉचेस मिली हैं एज अ गिफ्ट, कभी बर्थडे पे, कभी एनिवर्सरी पे, पर जिन्होंने दी उनको पता ही नहीं था कि मैं वॉचेस पहनती नहीं, मुझे पहन ही नहीं जाती ना। मैं हाथ में मतलब रिस्ट वॉच पहन सकती हूँ, ना मैं गले में कुछ पहन सकती हूँ, मुझे बड़ी एलर्जी होती है, मतलब इरिटेशन होती है, मैं नहीं पहन सकती। तो अब ये स्मार्ट वॉच आई है, दोनों भाई बहन लगेंगे सेटअप करने में, मैं जाती हूँ खाना बनाने। गाइस आज मैं बड़ी खुशी हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया, दिखाया कि आज मेरी बेटी ने पहली बार फ्री मर्जी से बिना मेरे इंटरप्ट किए कुछ लिया है। तो आई एम वेरी हैप्पी, गॉड ब्लेस हर। और आप लोगों की ब्लेसिंग्स और प्यार और दुआएं सब हमें चाहिए। जब आप सुबह प्रेयर वगैरह करते हैं, भगवान को याद करते हैं, सिर्फ दो सेकंड, ज्यादा नहीं, सिर्फ दो सेकंड मेरे लिए निकाल दीजिए कि भगवान बस सब अच्छा हो, दैट्स इट। और कुछ नहीं, और कुछ नहीं मांगती मैं आपसे। और मैंने आज बनाया है व्हाइट वाले राजमा। आप भी सोचेंगे ये व्हाइट वाले राजमा क्या होते हैं, वो लाइट आ गई, व्हाइट राजमा क्या होते हैं। मैंने आज बनाए हैं लोबिया, देखिए। तो गाइज मैं लोबिया को बोलती हूँ व्हाइट वाले राजमा, क्योंकि वो राजमा जैसे ही दिखते हैं लेकिन व्हाइट कलर के होते हैं। तो ये देखिए, आज मैंने रेसिपी नहीं दिखाई क्योंकि भाई ये प्याज टमाटर लहसुन का पेस्ट नमक में जल्दी मस्ती बन गए हमारे लोबिया। और मैं इतनी एक्साइटेड थी कि बस मैं बेटी के साथ लगी रही, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करते रहे, खूब शोर मचाया। और घड़ी अब लगाई उसे चार्जिंग के लिए, आरव और वो दोनों लगेंगे सारी सेटिंग चेंज करने में, क्या करना है कैसे करना है। और पता है सुबह मुझे जल्दी उठना है, सुबह आरव क्या है, पीटीएम। और मैंने आज तक अपने बच्चों की कभी कोई पीटीएम मिस नहीं की, इसलिए मैं कल भी नहीं करूंगी। और मुझे पीटीएम में ना बहुत डांट पड़ने वाली है इसकी मैम से, और वो इसलिए कि आरव जनवरी के बाद से रेगुलर नहीं है। यार पहले ठंड इतनी थी, बीमार पड़ गया, कभी फ्लू कभी फीवर तो नहीं भेजा, अब फाइनल टर्म सर पे आ गए। अब मैं इसकी पढ़ाई देखूं या मैं ट्यूशंस का देखूं, तो मुझे इसकी छुट्टी करा के सुबह दो ढाई घंटे इसको देने पड़ते हैं। तो अब मैं क्या कर सकती हूं भाई, नहीं जा सकता। तो गाइस चलिए मैं आपको दिखाती हूं लोबिया, बाकी बातें बाद में। ये देखिए गाइस, ये बने हैं हमारे व्हाइट वाले राजमा यानी कि लोबिया, और शक्ल से बहुत अच्छा लग रहा है ना। आई मस्ट टेल यू, ये बहुत अच्छे बने भी होंगे। तो चलिए गाइज आज का व्लॉग मैं करती हूँ यहीं पर, आप सबके प्यार के साथ एंड, बहुत सारे प्यार के साथ एंड। और बस आप लोगों की ब्लेसिंग्स मुझे मिलती रहे, इसी तरह से हमारे साथ बने रहिएगा। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए। मिलती हूँ मैं कल आपसे अपने नए ब्लॉग में। गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय। एक चीज़ और मैं भूल गई, आज जो मैंने ब्लॉग डाला है उस पे थंबनेल बनाया है कैनवा ऐप से, तो बहुत सिंपल बना है। अभी मुझे बहुत हाईटेक बनाना तो नहीं आता, बट देखो आपने मुझे सिर्फ ऐप बताई है, बाकी दिमाग हमने लगाया है। दैट मीन्स हम भी थोड़े समझदार हैं, बट आप लोगों के टक्कर के नहीं। तो चलिए इसी तरह से हमारी कोशिशें जारी रहेंगी, बट प्लीज़ बने रहिएगा हमारे साथ। बाय बाय।